अब देखिए, हम गोपालगंज के एक बाजार से अभी गुजर रहे हैं, तो यहाँ के जितने भी स्थानीय युवक हैं वो मुझे पहचान गए। अगर मैं उतर गया तो आचार संहिता का केस, अगर नहीं उतरा तो मेरा वोटर मेरे से नाराज। तो सरकार मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ, इलेक्शन कमीशन मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ, आप ही बताइए। और देखिए, हमारी मजबूरी है, बुरा मत मानिएगा लोग। गाड़ी से उतरेंगे तो मेरे ऊपर केस हो जाएगा आचार संहिता का उल्लंघन का। मेरे पास परमिशन नहीं है यहाँ पे उतरने का, ठीक है? वहाँ पे जाइए, सुनो, आराम से। और मैं ज्यादा देर सुनिए, मैं ज्यादा देर रुकूंगा नहीं, मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि ये सामने मोटरसाइकिल लगाने लगे। देखिए, सुनिए, मुझे निकलने दीजिए प्लीज। सुनिए ना, केस हो जाएगा मेरे ऊपर, आप लोग चाहते हैं ना भैया, सही है कि नहीं? अच्छा, आप लोग देखे कि नहीं क्या हुआ मोतिहारी में, सही है कि नहीं? और अभी आचार संहिता, प्लीज प्लीज माफी चाहते, नारा मत लगाइए, केस हो जाएगा। नारा मत लगाइएगा प्लीज प्लीज, नारा मत लगाइए भैया, मेरी मजबूरी है, मुझे माफ कीजिए भैया, मेरी मजबूरी है, मुझे माफ कीजिए भैया। हाँ भाई, आराम से भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैं माफी चाहता हूँ, चुनाव है, आप ही चलिए, चुनाव है भाई, ठीक है भैया, माफी चाहता, ठीक है भैया, हम आप लोग के साथ हैं, एकदम बदलेंगे बिहार, एकदम बदला जाए बिहार, आराम से नहीं की रुक सकत भैया, आचार संहिता बा, हमार मजबूरी बा, ठीक बाटे ना भाई? ठीक है, निकलने दीजिए मुझे भाई, मुझे निकलने दो बाबू, बट मुझे निकलने दीजिए प्लीज। आप लोग कुछ भी बोलिएगा मेरे ऊपर केस हो जाता है, ठीक है ना? एक मिनट, नहीं रुकूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, बस आप लोग निकलने दीजिए मेरे भाई, निकलने दीजिए, परमिशन नहीं है मेरे पास यहाँ का रुकने का, ठीक है ना? मेरे पास यहाँ का रुकने का परमिशन नहीं है, अरे मेरे पास यहाँ रुकने का परमिशन नहीं है, इलेक्शन कमीशन केस कर देगा मेरे ऊपर, अरे भाई केस कर देगा मेरे ऊपर इलेक्शन कमीशन, मैं नहीं रुक सकता, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे बुरा मत समझिएगा, मैं रुक नहीं सकता, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना? प्लीज भाई, अब मैं क्या करूं? अगर इन लोगों, यहाँ पे बाजार है, पूरा जाम है बाजार, यहाँ का परमिशन मेरे पास नहीं था, पूरा बाजार जाम है, लोगों ने देख लिया, पहचान लिया, गाड़ी को घेर लिया, अब करे तो करे, हम क्या करें? अगर बिना परमिशन उतर गए तो दिक्कत। प्रणाम चाचा, प्रणाम। हम रुक नहीं की सका चाचा, प्रॉब्लम ये बा कि हम रुकेम तो इलेक्शन कमीशन हमरा ऊपर केस कर दी, तो हम रुक नहीं की सकत, हमारे लेके परमिशन नहीं है यहाँ रुके के। अच्छा, ठीक बा भाई, ये चीज बटे, अभी 3 दिन पहले हमरा ऊपर FIR भइल बटे, खाली ये सब लग बरौली में FIR की, मनीष भैया मोतिहारी में भइल, चलिए टाटा, निकले दी भैया। अब क्या करें? अब हमारे समर्थक जितने मेरे से खुश नहीं होंगे उससे ज्यादा नाराज हो जाएंगे, तो हम, हमको सुरक्षा दे दिया जाए भाई, और कुछ ऐसा हमें भी सलाह दिया जाए, ताकि जो है उस सलाह का मैं पालन करूं। बैठ जाइए, गाड़ी में बैठ जाइए, सलाह का मैं पालन करूं और मुझे दिक्कत ना हो, ये चीजें हैं। बस विनती है कि हम लोगों की भी मजबूरी को समझा जाए। और देखिए, अभी ये सभी लोग हैं, अभी रुक रहे हैं, नीचे डाउन कर दीजिए, थोड़ा सा हट जाइए भैया, बोल रहे हैं सर, एक बार बरौली में आप आइए एक बार, ठीक है, परमिशन लेके आएंगे, बिना परमिशन आएंगे तो FIR हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक बा भैया,
ठीक बैठे। परमिशन नहीं थे, रुक नहीं की सकत भैया। FIR अभी 3 दिन पहले ही फाइल हमारे ऊपर। ठीक बैठे, ठीक बैठे भैया। चलिए 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 चलिए। गोपालगंज के भरौली में हम लोग अभी थे, और जब कहीं से गुजरते हैं तो लोगों का प्यार है, उम्मीद है, लोग मिलना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं? अगर मुझे देख के अगर बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो उसमें मेरी क्या गलती है? मुझे भी कुछ सलाह दिया जाए, मुझे भी, मेरे लिए भी कोई रास्ता बनाया जाए, रास्ता दिया जाए जिस रास्ते पे मैं चलूं और मेरे ऊपर FIR ना हो। अभी 3 दिन पहले वही तो हुआ, मैंने कार्यक्रम के लिए परमिशन मांगा मझौलिया में, कार्यक्रम के लिए परमिशन नहीं मिला। और जब मैं जनसंपर्क के लिए निकला और वो जो जहां जिस साइट से अप्लाई किया जाता है उस साइट पे जो है जनसंपर्क का कोई कॉलम है नहीं, जनसंपर्क के लिए जब मैं निकला तो फिर मेरे ऊपर FIR हो गया। लोग ज्यादा, अब देखिए ये ऐसे ऐसे लोग रोकते हैं, अब क्या करेंगे हम? अरे नहीं रुक सकते हैं भाई, नहीं नहीं रुक नहीं सकते, मेरे ऊपर FIR हो जाएगा, रुकूंगा तो मेरी मजबूरी है। अरे मोतिहारी में तो क्या करें, आपके नहीं तो FIR हो जाएगा ना मेरे ऊपर। अरे कुछ नहीं, अभी 2 दिन पहले हुआ था कि नहीं FIR? आपके साथ हैं हम, आप थोड़ी कीजिएगा, प्रशासन ना करता है मेरे ऊपर, मेरी मजबूरी समझिए प्लीज प्लीज। रुक जाइए, अब अपने समर्थक के लिए अगर FIR भी होगा तो देख लिया जाएगा। आइए 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 आइए, जल्दी आइए जल्दी आइए जल्दी आइए। अब देखिए, अरे नहीं रुक सकते हैं भैया, आपके मोड़ पे रुकेंगे और प्रशासन FIR कर देगा तब क्या करेंगे? नहीं रुक सकते हैं, हमें प्रशासन ने साफ साफ बोला है कि आप कहीं भी रुकिएगा पहले परमिशन लीजिएगा तब तब, इसीलिए मेरे ऊपर मोतिहारी में FIR हुआ था। ठीक है भैया, भैया ये चीजें है, फ्लेश फ्लेश चलिए आप निकलने दीजिए। अरे जाम लगेगा तो मेरे, अरे यहाँ जाम नहीं लगेगा भाई, मुझे माफ कीजिए। अरे भैया फिर मिलिएगा, नहीं मिलिएगा। चलिए, और ऐसे अगर हम नहीं मिलेंगे तो समर्थक नाराज होंगे, बोलेंगे कि बहुत हीरो बनता रहन, बहुत बड़का सेलिब्रिटी हो गई बाड़न, और मिल लेंगे तो FIR हो जाएगा। तो भाई हम लोगों के लिए बीच का कोई रास्ता निकाला जाए और हमें भी चुनाव लड़ने दिया जाए और हमें भी चुनाव प्रचार करने दिया जाए। अभी पटना से इस रास्ते से मैं गुजर रहा हूँ, अपने जिला में जा रहा हूँ, ये रास्ता है, बाजार में सब लोग पहचान गए, गाड़ी में बैठा था तो पहचान गए। अब गाड़ी के आगे तो ब्लैक कांच ये नहीं लगा सकते है ना, ब्लैक पूरा तो नहीं करा सकते हैं, साइड में पूरा ब्लैक कराएंगे तो फाइन मार देगा। अब ब्लैक नहीं कराएंगे तो लोग पहचान जाएंगे, और लोग पहचान जाएंगे तो लोग रोक लेंगे, और रोक लेंगे तो प्रशासन FIR कर देगा। और अगर नहीं रुके, लोगों को जो है उल्टा सीधा बोल दिए तो जो है वीडियो रिकॉर्ड वायरल होगा और रिकॉर्डिंग वायरल होगा कि मनीष कश्यप हुए घमंडी, देखिए अपने समर्थकों को किए नाराज। तो करे तो करे, क्या करे हम लोग भाई, बताइए, विनती है। जय हिंद।